हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स रिवाइज। आज की जो वीडियोस है वो आपकी टेक्नोलॉजी के लॉन्ग क्वेश्चन पे बेस्ड है, जिसमें हम बात करेंगे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस की, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। इन क्वेश्चंस को पढ़ने से आपके मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी एंड आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ये आपका थर्ड पेपर है टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, एज यू ऑल नो। तो यहाँ पे हम जिन क्वेश्चंस की बात करेंगे, आपको अपने एग्ज़ाम में सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ के जाते हो ना, तो आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। बेफिक्र होकर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ के जाइएगा। थोड़ा सा इधर उधर चेंज कर सकते हैं, वो अपनी लैंग्वेज को बदल सकते हैं, बट क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा मैंने आपके दो पेपर्स की, फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑलरेडी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो डाल दी है, तो आप उनको जा करके देख लीजिएगा और अभी से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जल्द ही आपके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप लोग मुझसे बोल रहे हो कि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस कर दूँ। मैं आप लोगों की ये बात को समझ नहीं पा रही हूँ एक्चुअली, कि आप क्या चाह रहे हो। आप ये चाह रहे हो कि जो क्वेश्चंस हैं उन पे मैं वीडियोस बनाकर उनके आंसर्स की दे दूँ, या फिर आप लोग ये चाह रहे हो कि मैं जो क्वेश्चंस हैं उनके सिर्फ आपको बता दूँ कि आप क्या क्या उनमें आंसर्स में क्या क्या पॉइंट्स मेंशन करोगे, कुछ ऐसा आप चाह रहे हो। मतलब मैं आपकी बात को क्लियरली नहीं समझ पा रही हूँ, और मुझे ये आपसे बोलने में या पूछने में कोई भी झिझक भी नहीं है। क्या फ़ायदा मैं वो वीडियोस डालूँ जो आपके काम की ही नहीं है ना। तो इसलिए मैंने आपसे पूछना ज़्यादा ज़रूरी समझा। सम स्टूडेंट्स जो हैं ना, जो मेरे बैक टू बैक वीडियोस देखते हैं एंड पे रिप्लाइज़ करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो ये उनके लिए सबसे ज़्यादा है। मुझे नेम नहीं याद है, बट एक दो लोगों का नेम याद है, शायद अनामिका सिंह एंड विजया आई थिंक। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा क्लियर कर दीजिएगा। हाँ, तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग, राइट द प्रोसेस ऑफ माइक्रो टीचिंग। ओके, इसमें आपको माइक्रो टीचिंग क्या है, किसने ये कॉन्सेप्ट लाया है और इसके प्रोसेस क्या है, ये सब कुछ आपको इस क्वेश्चन में दिखाना है। लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखना है, क्या क्या इंक्लूड करना है, ये सारा मैंने एक वीडियो में समझाया है, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। हाँ, जिससे आपके क्वेश्चन में के मार्क्स ना कटे अगर आप आंसर लिखो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस एंड डिस्क्राइब द फ्लैंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस, राइट द लिमिटेशंस। ठीक है, अब आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करने के लिए बोल रहे हैं, तो फ्लैंडर्स की आपको ये थियोरी कॉन्सेप्ट लिखना है। देन आपको क्या करना है, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस लिमिटेशंस कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब कुछ आपको सही से एक्सप्लेन करना है, क्योंकि लॉन्ग आंसर है तो इसमें मार्क्स भी अच्छे होंगे। देन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टीचिंग स्किल्स, डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम इन डिटेल्स। आपको क्या करना है, टीचिंग स्किल्स जो होती हैं, सबसे पहले तो टीचिंग स्किल्स होती क्या है वो बताना है। देन टीचिंग स्किल्स जितनी टाइप्स की हैं, सारे टाइप्स आपको फ्लो चार्ट के थ्रू शो करने हैं। देन आपका जो भी एक प्रिपेयर हो, उस टीचिंग स्किल को आपको उसके बारे में बताना है, उसके बाद में उसकी इम्पॉर्टेंस, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, फीचर्स एज इट, मतलब जैसे भी आप उसको एक्सप्लेन कर पाओ आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। देन है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉडल ऑफ टीचिंग, राइट द टाइप्स ऑफ मॉडल एंड ऑफ टीचिंग। यहाँ पे आपको सबसे पहले बताना है मॉडल ऑफ टीचिंग क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं, इफ़ देयर इज़ इम्पॉर्टेंस आपको इम्पॉर्टेंस बतानी है। ठीक है, देन टाइप्स क्या क्या होते हैं, आप फ्लो चार्ट या थोड़ा सा ऐसे मैच क्रिएटिव वे में आप उसको एक्सप्लेन करोगे। देन आपको क्या करना है, उस मॉडल ऑफ टीचिंग को जो भी आपकी हैं उनके टाइप्स को एक्सप्लेन करना है। अगर आप एग्जांपल्स दे सकते हो तो ये वेल एंड गुड है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द मीनिंग ऑफ आईसीटी, व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ आईसीटी। आपका जो ये आईसीटी टॉपिक है, ये माइक्रो टीचिंग टॉपिक है एंड आपका एजुकेशन टेक्नोलॉजी टॉपिक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है ना, एंड आपका एक वो है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन CAI। ठीक है, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, तो इन टॉपिक्स को आप मतलब छोड़िएगा नहीं, है ना। तो नेक्स्ट है आपका, राइट द मीनिंग ऑफ ICT। ICT मीन्स यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एंड व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ ICT।
तो यहाँ पे आपको आईसीटी की मीनिंग बतानी है, एडवांटेजेस एंड प्रोसेस बताना है, देन आपको क्या बताने हैं, बैरियर्स ऑफ आईसीटी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब ऑडियो विजुअल एड्स इन एजुकेशन। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आप थोड़ा सा एजुकेशन बता दोगे, देन एजुकेशन में हम कैसे ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करते हैं, एड्स का सॉरी, वो आप बताओगे। उसके बाद जो आपके ऑडियो विजुअल एड्स हैं ना, उन सारे एड्स को आप वन बाय वन दोगे एंड एक्सप्लेन करोगे। यहाँ पे भी जो भी आपके एड्स हैं ऑडियो विजुअल, आप चाहो तो उनको भी अच्छे से चार्ट के थ्रू शो कर सकते हो। देन हाउ मैनी टीचिंग मैथड्स आर देयर, डिस्क्राइब डिमॉन्स्ट्रेशन मैथड इन डिटेल। यहाँ पे क्या करना है, आपको टीचिंग मैथड कितने टाइप्स के होते हैं वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप्स ऐसे डायरेक्ट मत बताइएगा, सबसे पहले आप टीचिंग मेथड्स होते क्या हैं बताइएगा, उसके बाद में कैसे वो हेल्पफुल है वो भी आप ऐसे मतलब पैरा में बता दीजिएगा, ऐसे लाइन वाइज मत करिएगा। देन आप बताइएगा डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि डिटेल में बोला है ना। फिर उसके आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं और उसकी आपको एडवांटेजेस लिखनी है, डिसएडवांटेजेस लिखनी है, एवरीथिंग, ओके। ऑल्सो ना आप इस क्वेश्चन में ये भी इंक्लूड कर सकते हो कि हाउ डिमॉन्स्ट्रेशन मैथड इज़ यूज़फुल फॉर एजुकेशन, कैसे आप उसको एजुकेशन में लेते हो, कैसे वो आपके लिए हेल्पफुल है। वॉट आर दी लेवल्स ऑफ टीचिंग, अब यहाँ पर हमने बात करी है टीचिंग के लेवल्स कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर जो भी आपके टीचिंग के लेवल होते हैं, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव, मेमोरी, थ्री होते हैं ना, तो इन थ्री को सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा टीचिंग का आप बता देंगे एंड देन आप क्या करोगे, इनको एक्सप्लेन देम इन डिटेल बोला गया है ना, तो सबसे पहले आप इन थ्री को बताओगे, ऐसे आपका ट्राइंगुलर उसमें करके दिखाएंगे, देन क्या करेंगे आप एक एक करके उसको एक्सप्लेन करेंगे। डिटेल में कहा गया है तो दो से तीन सबके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस टाइप का अगर कुछ है तो आप उसको लिख सकते हैं। देन आपका आ गया व्हाट इज़ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी होती क्या है और इसके टाइप्स क्या है ये आपको बताना है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में अगर हम बात करें तो इसमें आप मीनिंग, नेचर, स्कोप और इम्पोर्टेंस बता सकते हो, एंड अगर टाइप्स की बात करें तो आपके थ्री टाइप्स हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम अप्रोच। आप इनको भी वन बाय वन बताएंगे क्योंकि ये एक मतलब पूरा एक अलग से पूछा गया टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का। अब बात कर लेते हैं हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। हमने 10 लॉन्ग क्वेश्चंस की बात की है, अब हम 10 शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है। इन शॉर्ट क्वेश्चंस में से भी आपके लॉन्ग भी बन सकते हैं या लॉन्ग में से शॉर्ट भी बन सकते हैं। मैंने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आपके पोर्शंस, टॉपिक्स या क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए जो आप समझो। फर्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग टेक्नोलॉजी। देखिए आपका ना यहाँ पे डिफरेंसेस थोड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, पूछते हैं आपसे डिफरेंसेस, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आप डिफरेंसेस याद करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उस ऑन द स्पॉट डिफरेंसेस फ्रेम कर पाओगे। नेक्स्ट है राइट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है ना, सबसे पहले आपका होता है सेंडर, देन इनकोडिंग होता है, देन मास मीडिया होता है, मैसेज होता है, ये इधर उधर हो सकता है, मैं ऐसे आपको बता रही हूँ, फिर डिकोडिंग होता है, फिर आपका रिसीवर एंड फीडबैक, इस टाइप का आपका प्रोसेस होता है, वो आपको बताना है। देन वॉट इज़ टीचिंग स्ट्रैटेजी, टीचिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है। डिफाइन थ्री डोमेन्स ऑफ लर्निंग, डोमेन्स ऑफ लर्निंग आपने साइकोलॉजी में पढ़ा है, बस वही आपके आने हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज सिमुलेशन टीचिंग, सिमुलेशन टीचिंग क्या होती है, जो भी प्रिटेंडेबल टीचिंग होती है उसे हम सिमुलेशन टीचिंग बोलते हैं। डिफाइन कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, जो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल है उसको आपको डिफाइन करना है। देन डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मैथड एंड ट्रेडिशनल मैथड। What is CAI? अभी मैंने आपको बताया था ना, CAI आपका इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सॉरी, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, इसको आपको डिफाइन करना है। शॉर्ट आंसर्स जो आपके होंगे वो आपके डेढ़ या दो पेज के होंगे, इससे ज़्यादा आप उसको लॉन्ग मत करिएगा। देन है राइट द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ राइट द टाइप्स ऑफ मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, ओके। तो ये आपके 10 लॉन्ग एंड 10 शॉर्ट क्वेश्चंस थे टेक्नोलॉजी के। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, कोई भी क्वेश्चंस मिस मत करिएगा, सबको पढ़ के जाइएगा। अगर
कुछ भी छूट जा रहा है तो एक बार देख ज़रूर लीजिएगा, बट छोड़िएगा नहीं। ना आप पढ़ने के मामले में छोड़िए, ना ही आपके पेपर जब सामने आए ना तो आंसर लिखने के मामले में छोड़िए। छोड़ना इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हमें सब कुछ पढ़ के जाना है। आपका मैं बता रही हूँ, आप अच्छे से अच्छा मार्क्स गेन करके आओगे अगर आप ये सब पढ़ के जाते हो तो। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।